हैशटैग ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि H5P लूमी एडिटर के अंतर्गत हम किस प्रकार ड्रैग्स द वर्ड्स एक्टिविटी बना सकते हैं। यह एक्टिविटी ई कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स टीचर्स सभी को वेलकम। आज हम H5P टूल्स के अंदर एक शानदार ई कंटेंट बनाएंगे, एक एक्टिविटी बनाएंगे और इसमें हम लूमी जो आप यहाँ देख रहे हैं, लूमी जो H5P का एडिटर है, इसका प्रयोग करके बनाएंगे क्योंकि ये ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है। तो इसे बनाने से पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगी। और इस एक्टिविटी का नाम क्या है, ड्रैग द वर्ड्स। तो ये एक्टिविटी है ड्रैग द वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस। आप देख रहे हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमने बनाए हुए हैं। इसमें क्या करना है कि ये हमारे पास इनके आंसर्स हैं, यहाँ पर इनको ड्रैग करके इन जो ये बॉक्सेस हैं इनमें हमें रखने हैं। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और इंटरटेनिंग है। इससे बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, आसानी होती है। जैसे पहला वर्ड दे रखा है द पुलिस डैश फोर थीव्स लास्ट नाइट, तो इसमें वर्ब दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब्स को हमें इसमें भरना है कैच। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। तो जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे कैच, ऐसे दूसरा हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं इनमें से, स्पीड में हम कर लेते हैं, कोई सही और कुछ गलत। तो इसमें हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, यानी इसमें हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं द स्टार ट्विंकल वॉन्ट बी हेल्प वुड हेल्प वर डूइंग हमने आगे पीछे लिख दिया। हमसे हमारा मकसद केवल ये देखना है कि हम इस एक्टिविटी से क्या फ़ायदा मिल सकता है। अब हम यहाँ पे इसके आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये चेक बॉक्स है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट हुआ और कौन सा गलत, कौन सा हमारा वर्ब सही हमने भरा, कौन सा गलत, ये गलत है, ये हमारा सही है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं और हमने इसमें नंबर्स भी दिए हैं, 5 में से हमारे कितने नंबर आए, 10 में से हमारे नंबर आए 5। ये भी आप पूरा इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेटिस्फैक्ट्री, ये भी आप लिख सकते हैं, अगर इतने नंबर आए तो ये मिलेगा, इतने नंबर आए तो ये मिलेगा, तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। सोल्यूशन भी बच्चे देख सकते हैं, ये हम दो बटन से ये भी हम बना सकते हैं। तो सो सोल्यूशन में देखो, ये बता दिया कुकिंग आना चाहिए था, वुड हैव हेल्प आना चाहिए था, वर डूइंग आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए। तो ये एक शानदार एक्टिविटी है बच्चों के असेसमेंट के लिए। तो आज हम इसी एक्टिविटी को यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम एक न्यू एक्टिविटी यहाँ पे बनाएंगे। तो इस टूल का नाम है ड्रैग द वर्ड्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे हमें मिलेगा ड्रैग द वर्ड्स, ये हमारी एक्टिविटी है ड्रैग द वर्ड्स। H5P के अंदर ड्रैग द वर्ड्स टूल्स का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक इसका एडिटर ये खुल जाएगा, एडिट, और ये व्यू ऑप्शन है। तो एडिट में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाएंगे। सपोज इस बार मैं एक्टिविटी बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए, प्रीपोजिशन ग्रामर सेक्शन है, यह मैंने पहले ये फाइल तैयार कर रखी है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा, टाइटल मेरा ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन और ड्रैग द वर्ड इनटू करेक्ट बॉक्सेस। ये पहले से डिफाइन हो रखा है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर पहले से आ रखा है ड्रैग द वर्ड्स इनटू करेक्ट बॉक्सेस, ठीक है। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ पे हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें टेक्स्ट लिखना हो यहाँ पे लिखना है,
तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपका होगा सेंटेंस के बीच में, जो करेक्ट आंसर होगा, उसके पहले आपको ये आप स्टार लगाना होगा। तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही सेट ऑन द चेयर। यहाँ पे आएंगे, मैंने कॉपी कर ली और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दिया, ही सेट ऑन द चेयर। ये हमारा ऑन इसमें सही है फिर पोजिशन। तो हम इसके पहले एक स्टार लगाएंगे और एक इसके बाद में स्टार लगाएंगे। ये हमने एक सेंटेंस बना लिया। इसी प्रकार एक और सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, कॉपी करके यहाँ पे इसी के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। तो इन है, इनसे पहले हम एक स्टार लगा देंगे और एक इससे बाद स्टार लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने फिलहाल दो सेंटेंस लिए हैं, और इसको सेव करने से पहले, इसको शेयर करने से पहले हम इसको यहाँ पे एक बार व्यू में जाके देख लेते हैं कि हमने इतना जो लिखा है कैसा दिख रहा है। तो व्यू में जाएंगे हम, तो व्यू में देखा हमने जो बनाई थी एक्टिविटी आ गया, ड्रैग द वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस, और ये इन और ऑन यहाँ पर आ गया है। देखो, ही सिट इन द चेयर। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इन, और अगर आपको लग रहा है गलत है तो हम यहाँ इन कर देंगे, ही सेट ऑन द चेयर, तो ऑन यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारे दो में से दो अंक प्राप्त हमें हुए, टू में से टू मार्क्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको और करो और यहाँ पे प्रीपोजिशन आए, तो हम दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। हम यहाँ पे ड्रैग द वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ लिख देंगे वर्ड्स के, और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, ये, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो आप हमारा सेंटेंस बन गया, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद कि अभी हमने दो ही बनाए थे, अब और इसको करेंगे, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एडिट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी दो हमने लिए थे, अब हम एक पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक साथ, और कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे सारे आ गए यहाँ पे इन, सी वाज हाइडिंग अंडर, यहाँ पे अंडर आ गया, इसको हम लगा देते हैं स्टार, अबव द सन इज अबव द क्लाउड्स। इसके बाद आप देख रहे हैं द कैट जंप इन टू द रिवर, ही केम टू स्कूल बाय बस, और गीता सिट बिटवीन। तो आपने देखा जिन पे मैंने स्टार का चिन्ह लगाया, ये वर्ब्स, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये एक कितनी जल्दी इसमें एक्टिविटी बनती है। हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा और ये कर दिया। अब हम इसको चेक यहाँ से कर लेंगे दोबारा कि हमारा सही बना कि नहीं। देखो ये सारे बन गए अब हमारे, ठीक है। अब हम इसको फिर एडिट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, फीडबैक कि कितने से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। तो रेंज यहाँ पे 0 से 100 दिया हुआ है। अब जैसे रेंज यहाँ पे 0 to 33 लिखेंगे, जैसे परसेंट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ लिखे लिख सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस, ये लिख देंगे। उसके बाद आप चाहते 34 से लेकर 60 के बीच में जो मार्क्स आए उसको लिख देंगे हम सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री लगभग संतुष्ट थोड़ा बहुत। 61 अब यहाँ पे लिख दें 61 to 80, यहाँ पे लिख देंगे गुड गुड, और लास्ट वाले के लिए हम लिख देंगे एक्सीलेंट। तो ये हमने मार्क्स के रेंज कर दिए हैं कि जो बच्चे इतने से इतने तक सही करेंगे क्वेश्चन, परसेंटेज इतना आएगा, तो क्या क्या उनको मिलेगा, ठीक है। बिहेवियर सेटिंग में जाके हम देख सकते हैं, ये दो बटन की हमें ज़रूरत है, रीट्रे, दोबारा बच्चे इसको रीट्रे कर सकते हैं, शो सोल्यूशन, बच्चे दोबारा सोल्यूशन देखे कहाँ उनके आंसर गलत हुए, तो ये दोनों चीज़ हम जो डिफ़ॉल्ट है इसको ओके रखेंगे। फीडबैक भी आप यहाँ से दे सकते हैं,
तो इतना होने के बाद अब हम इस एक्टिविटी को यहाँ से चेक कर लेते हैं व्यू से। तो व्यू में गए, ये देखिए आ गया। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, ही सेट ऑन द चेयर, देयर इज अ सम मिल्क इन द फ्रिज, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, द सन इज अबव द क्लाउड्स, द कैट जम्प इन टू द रिवर, ही केम टू स्कूल बाय बस, और गीता सिट बिटवीन रवि एंड मॉल। अब हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए हमारे सारे के सारे सही हुए और हमारा यहाँ पे एक्सीलेंट भी आ गया है। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हम इस एक्टिविटी को बना सकते हैं और इसको सेव करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी इसमें हम इसको फाइल को सेव करेंगे, तो सेव कमांड में जाएंगे और ये फाइल आपकी जहाँ आप चाहेंगे वहाँ सेव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ सेव करना चाहता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमारी फाइल ये देखें H5P फाइल सेव हो गई है। अब आप चाहते हैं इस फाइल को मैं किसी को शेयर करूँ या ये हमारा कहीं भी जाकर ओपन हो सके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट को चुनेंगे। एक्सपोर्ट में ऑल इन वन HTML फाइल ऑप्शन को चुनेंगे और एक्सपोर्ट नाउ करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी HTML के नाम से। इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं कहीं पे भी। जैसे हमने डेस्कटॉप में सेव कर ली और एक्सपोर्ट कर लिया, अब ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो रही है जिसको हमने डेस्कटॉप में सेव किया है। वहाँ जाकर हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल हमारी वहाँ पे जाकर खुल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि ये फाइल कैसे ओपन होती है, वो आपको अभी यहाँ पर हम बताते हैं। ये फाइल एक्सपोर्ट होने में थोड़ा समय लेता है, तो ये मैसेज आ गया H5P सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, ये आ गया है हमारा। अब हम इस फाइल को यहाँ जाके देख लेते हैं स्क्रीन पे। ये फाइल आ गया, ये आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्रोम ब्राउज़र हमारा था उसी में ये बन गया। इसको डबल क्लिक जैसे हम करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो ब्राउज़र है उसमें ये HTML में खुल गया है। आप इसी को कहीं भी शेयर कर सकते हैं इस फाइल को, तो यहाँ पर आप आसानी से ये फाइल रन हो जाएगी। इसको आप कहीं भी आगे पीछे गलत मिलत जो भी आप भर के चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल को, ये चेक करें तो ये हमारे दो सही हुए इतने गलत। तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है जैसे मैंने बनाया था, सॉल्यूशन हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार आसानी से ये फाइल कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे रन कर सकती है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, आप इसको ब्राउज़र में खोल सकते हैं, HTML फाइल कन्वर्ट होने के बाद किसी भी ब्राउज़र में वो ओपन हो सकती है। तो आपने देखा कि आज की जो हमारी ड्रैग द वर्ड्स एक्टिविटी थी वो बहुत ही शानदार थी और इसका प्रयोग कर सकते हो बच्चों के ई कॉन्टेंट बनाने के लिए। तो आगे भी इसी प्रकार में H5P लूमी एडिटर के अंतर्गत आपको नई नई एक्टिविटी सिखाता रहूँगा। और अधिक जानने के लिए आपको जो हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिए हुए हैं, आप कोई भी एक्टिविटी वहाँ से सीख सकते हैं ई कंटेंट बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।